आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेड या स्लाइडर टर्टल के बच्चों की क्या प्राइस चलती है और ये कितने में सेल किए जाते हैं, क्योंकि कईयों जगहों पर ये अपनी कीमत से 10 गुने ज़्यादा रेट पर भी बेचे जाते हैं। और आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसका रेट पता होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला हमेशा आपको चूना लगाने के लिए ही बैठा होता है। इस वीडियो में सिर्फ हम बच्चों की प्राइस की बात करने वाले हैं, जो कि अंडे से निकले हुए बच्चे होते हैं और वो सेल करने के लिए आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कछुए पालने, बेचने और ख़रीदने के लिए बिल्कुल सेफ रहते हैं। ये कानूनी तौर से आप इसको पाल सकते हैं, आपको कोई भी लाइसेंस इसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। भाई आप देसी कछुआ पालेंगे तो आपको जेल भी हो जाएगी, जुर्माना भी लगेगा, क्योंकि वो गैरकानूनी है पालना। ये आप पाल सकते हैं, ये कानूनी है, क्योंकि ये इंडिया की स्पीसी नहीं है, ये बाहर के कछुए हैं। वो बात अलग है कि इंडिया के अंदर अब इसकी अच्छी खासी तादाद हो चुकी है और लोग घरों पर ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं इनकी। एक कछुए के बच्चे की प्राइस मैं बताता हूँ, जो रेट में मुझे अवेलेबल है होलसेल प्राइस में, 250 रुपये से 350 तक पर। वो प्राइस होलसेल की प्राइस है, अगर आप वही दुकान से लेने जाएंगे तो मुश्किल से 100-200 रुपये बढ़ाएगा वो, और जो आदमी 10 गुने ज़्यादा रेट में बेचे उसके यहाँ से भाई कभी लो ही ना, क्योंकि उसका भरोसा भी नहीं किया जा सकता। पहले बार वो आपको चूना लगा रहा है, क्या पता बीमार पीस बेच रहा हो। बाकी बड़े कछुए उनकी ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती, उनका अच्छा कलर भी नहीं होता, कुछ शाइनी टाइप का, तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ही मान लो 1000-1200-1500, मुश्किल से 2000 तक फुली अडल्ट। इससे आधा का शायद मेरे ख्याल में सेल नहीं किया जाता होगा, क्योंकि बड़े कछुओं की कुछ जो है ना तय की हुई कीमत नहीं होती, और वो जिस हिसाब से शॉपकीपर को बेचना होता है उस हिसाब से बेच देते हैं, क्योंकि डिमांड नहीं होती ना उसकी, जितने रेट दे के आदमी ले जाता है उतने रेट में जो है ना दे दिए जाते हैं वो। बाकी इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कछुए के होलसेलर्स के बारे में, तो कुछ एक दो बंदे उनमें से क्या हुआ बदतमीजी से बात कर रहे थे लोगों से, तो मैंने वो वीडियो ही हटा दी। बेफालतू में भाई फ्रॉड कर जाए आपके साथ आगे जाके कोई बंदा, वो सही नहीं है। अब वो अलग है भाई, धीरे धीरे दिमाग बढ़ गया उन लोग का, नहीं तो काफ़ी अच्छे बंदे थे पहले शुरुआत में। चलो क्या कर सकते हैं भाई, समय के साथ सब बदल जाता है। चलो ठीक है भाई, मैंने आपको रेट बता दी, अब आप लोग जाके देख सकते हैं अपनी पेट शॉप पर वो क्या रेट में सेल कर रहे हैं। आके कमेंट करके आप बताइएगा मुझे कितने रेट में आपके शॉपकीपर आपके आसपास वाले बेच रहे हैं पेट शॉप वाले। बाकी छोटे बच्चे के 500 से ज़्यादा रेट किसी को मत देना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह का लगा लो 100-200 रुपये, तो यही 500 रुपये से ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए रेट कहीं भी।